ये विटामिन ई के कैप्सूल्स बड़े काम की चीज है। इसे अलग अलग तरीके से यूज करने पर आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज करने पर आपके चेहरे पे और ज्यादा ग्लो आने लगता है। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपनी स्कैल्प और हेयर पर लगाने से आपके हेयर चमकने लगेंगे। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्किल चले जाएंगे थोड़ी दिनों में। आज हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे पे ग्लो हो, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे पे ग्लो लाने के कुछ घरेलू तरीके बताता हूं। सबसे पहले है स्टीम, यानी कि भाप लेना। गाइस, जब आप 5 से 6 मिनट के लिए दिन में भाप लेते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर जो पोरसेस में गंदगी फंसी होती है उसे बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन को फ्रेश बना देता है। दूसरा है गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर। गाइस, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर आपकी डल स्किन को भी फ्रेश कर देता है। अब इसे आप फेस पैक में डाल के भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप इसे छिड़क सकते हो अपने चेहरे पे और गंदगी साफ कर सकते हो। और तीसरा है कॉफी बीन्स या कॉफी का पाउडर। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉफी का पाउडर लेना और उसमें कच्चा दूध मिलाना है और फिर उस मिक्सचर से अपने चेहरे को स्क्रब करें 5 से 6 मिनट के लिए। गाइस, आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगेगा। ये घरेलू तरीके आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।